मेरे दोस्तों, सुबह सुबह का नाश्ता जो कि इंदौर का मशहूर नाश्ता है पोहा, वो अब जो है बाजारों में बिकने भी लगा है, लोगों के घरों में बिकने बनने भी लगा है, जो उत्तर प्रदेश में भी बनने लगा है और कहीं कहीं मैंने सब जगह थोड़ा थोड़ा बनाए बने लगा है। तो आज आपका हम मतलब मैं आपको बताता हूँ पोहा बनाने की असली विधि। पोहा बनाने के लिए आपके घर में जो मतलब जरूरी चीज़ें हैं वो बताए थे पहले। आपके घर में पोहा बनाओगे, एक कम दिमाग की लड़की होना बहुत ज़रूरी है। हमें बहुत खुशी है कि हमारे घर में एक कम दिमाग की लड़की है। अब पोहा बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए? देखो, गाजर चाहिए। अरे वो तो हाल ही जा रहे थे। अच्छा, कौन बताएगा? अच्छा, गड़बड़ाएगा क्या? नहीं, ठीक है। चलो, देखो ये गाजर होना चाहिए, छोटा छोटा टुकड़ों में काट लो गाजर। एक दिन पहले भिगोई मूंगफली होना चाहिए, हो चाहिए मैंने शिमला मिर्च और छोटा छोटा मिर्च, थोड़ा सा दो एक बारीक कटा हुआ। अब ये प्याज होएगा, ये सोना चाहिए। और स्वाद अनुसार नमक। अरे स्वाद अनुसार मत, तेरे स्वाद अनुसार नमक, नमक के अपना नंबर आई तब बताएगा कि पहले स्वाद अनुसार नमक। और इसके बाद ये पोहा जो है कितनी देर भिगोया हुआ चाहिए? अरे 5 मिनट। 5 मिनट चूरा जो होता है, थोड़ा मोटा चूरा जब ले हैं आप, पोहा या चूरा मोटा थोड़ा ले हैं तो वो ज़्यादा बढ़िया बने, पतला वाले से मोटा वाला ज़्यादा बढ़िया बनता। ये 5 मिनट भिगोया हुआ होना चाहिए। अब इसके बाद क्या करना है आपका, सबसे पहले डालो का नाम, तेल डालो ना। और ये क्या है बहनी? ये राई। और राई हो चाहिए, राई, राई दाना। हाँ, अब सीधे पैन में जो आपके पैन या कढ़ैया जो उन्हें कहा जाते हैं ना, वो मैं जो है तेल पहले वो जलाए दो। हाँ, अरे तू और जलते नहीं, एक घंटा ले। हाँ, जला के फिर तेल डाल दो। ये तेल अपने हिसाब से जौन तेल आप पसंद करते हो, कोई उमा उना ये है कि कौन तेल हो चाहिए। बहुत बहुत जने डालडा बनाए थे उन्हें बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत जने डालडा मतलब वनस्पति घी बना बढ़िया बढ़िया, घी में बनाओ थे घी में भी बढ़िया ना, लेकिन ये तेल है हो चाहिए। ये बात है, तेल पड़ गई। अब देखो तब तक जो है पहले तेल में राई डाल दी, सबसे पहले तेल में क्या पड़ा? राई। आपको पूरी विधि आज बतावा जी हम लोग, है ना? जो अच्छा बना पाते वो भी भूल जाओगे। जो अच्छा बना तो कौन बड़ा अच्छा बना हो तो भूल। और मेरे घर में एक बात कह रहा, मेरी लड़की है जो सुबह उठ करके मुझे जाना है सुल्तानपुर, और सुबह उठ के एकदम नाश्ता तैयार करे। और एक दूसरी आलसी लड़की है, उसको भी दिखाना पड़ेगा। वो आलसी लड़की अभी भाग गई, आलसी लड़की है हमारी बड़ी वाली, वो कुछ नहीं काम करती। हम पूरी बात होती है, हम किसी से नहीं डरेंगे। अब डरने का कोई काम नहीं है, क्यों आलसी है ना? वो कोई काम नहीं करती है, कोई काम नहीं करती, कोई किसी काम। मैं सोता हूँ ना, इसी वजह तुमसे सारे काम करवा, सारे काम मतलब ऐसे बेचारे से कराते हैं। चलो, जैसे चिटकने लगे। हाँ, जैसे चिटकने लगे राई, तैसे हम प्याज डालेंगे। वैसे प्याज डाल देंगे। हाँ ठीक है, प्याज बारीक कटा होने, प्याज बारीक कटा, ये देखो बारीक कटा प्याज डाल दो भैया। ये देखो ये आलसी है, ये आलसी है, ये आलसी है, ये कोई काम नहीं करती है। और ये हमारे सारा काम है लड़की का। ये क्या होता है? करी पत्ता कहाँ आपने लगाएगा? करी पत्ता घर में लगाए नहीं। वाह, उसी के साथ डाल देंगे करी पत्ता। करी पत्ता भी डाल दिया यार। ये बात, चल 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 दिकर चल दिकर। शाबाश शाबाश बेटा। आलसी लड़की ने लेकिन कुछ पे ढंग का काम किया। हाँ, कुछ ढंग का काम किया है, लेकिन आलसी है लेकिन कुछ ढंग का काम किया है। और ये देखिए बढ़िया से प्याज जो है गरम हो रहा है, एकदम सुनहरा होने तक भूनेंगे इसको, है ना? सुनहरा होने तक भूनेंगे। आप भी ये जो नाश्ता है पोहे का नाश्ता है, ये बड़ा मतलब बताते सेहतमंद नाश्ता होता है। और हमने कभी ट्राई नहीं किया तो पता आगे ही बोलना था ना। तुम स्क्रिप्ट के आगे मुंह तोड़ दे, जो स्क्रिप्ट के आगे बोली हो तो। हाँ, अभी मैं गुस्सा नहीं देखे हो, जब दांत खड़ रहा है तुम्हारा, जहाँ से हम खड़े होते हैं ना स्क्रिप्ट वहीं से शुरू होता है। अच्छा अच्छा, जलने नहीं चाहिए प्याज। और इसके बाद गाजर डाल दो। ये देखिए गाजर पड़ गया। गाजर पड़ने के बाद क्या होगा आप देखो, ये देखो गाजर पड़ रहा है, गाजर पड़ गया है। अब गाजर थोड़ा सा हल्का सा चलाते रहिए इसको। शाबाश। अब इसके बाद इधर से बना हुआ जाए। हाँ, इसके बाद ये पड़ा शिमला मिर्च पड़ गया।
शिमला मिर्च के बाद बेटा हाँ मूंगफली, भीगी मूंगफली। और यदि आप भूल जाते हैं मूंगफली भिगोना तो आप गैस पे गर्म भी कर सकते हैं, फिर पानी में गैस पर गर्म कर सकते हैं। अगर मूंगफली भिगोना भूख गए हैं और पोहा खाना है आपको तो पानी में गर्म करके उबाल लीजिए मूंगफली, तब भी जो है वो वाली बात नहीं होगी लेकिन फिर भी ठीक लगेगी। वो बात नहीं होगी लेकिन फिर भी ठीक लगेगी, कहने का मतलब है समझा करो, वो बात नहीं आएगी। जो बात वक्त पर अगर कोई काम नहीं किया गया तो बाद में चाहे जितना अच्छा किया जाए वो बात नहीं आती है, ये हमारी निधि जी का कहना है। सबस हाँ हाँ, अब मूंगफली डाल दो। ये देखो मूंगफली पड़ गया, सबस सवा छोटा मूंगफली पड़ गया। अब इसके बाद अब बचा पोहा। अरे रुकिए, हाँ अरे भैया कुछ बचा नहीं, हल्दी बाकी है। अच्छा हल्दी भी डालना है, थोड़ा सा चीनी भी डालना रहता है। हल्दी कलर के लिए पड़ता है और चीनी के लिए मसाला वसाला कुछ नहीं डाला करो। अरे कोई और, कोई और अगर मसाला डाला चाहे डाल सकते अपने घर में, हम ज़्यादा मसाला वसाला नहीं पसंद करते। ये देखे बन रहा है ये पोहा, वो हाथ लगा दी। चीनी हल्का सा डालो, चीनी बहुत ज्यादा डाल देते तो नहीं मजा आते, फिर स्वाद चला जाता है चीनी का। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश। अब डालो हल्दी भी डालो, बनाओ जल्दी और इस तरह बनाएंगे फिर हल्दी डाल देंगे। थोड़ी देर जो टाइम आप लोग लग रहा है ये टाइम मेरी मम्मी पापा के एनिवर्सरी में आना पोहा ही खिलाया जाएगा। ये बात आप सही बात कह रहे, मम्मी पापा के एनिवर्सरी में आना तो पोहा ही खिलाया जाएगा, पापा के बर्थडे में आना पोहा ही खिलाया जाएगा। वाह 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 वाह। और इसके बाद ये चूरा डाल दिया इसमें, मेरे बर्थडे में आना कुछ टेस्टी खिलाएंगे, टेस्टी खिलाएंगे। हाँ ये सीधी बात नो बकवास। ये पोहा पड़ गया, अब ऐसे चलाते रहेंगे। कितनी देर तक चलाते रहेंगे इसको? जब तक पूरा मिक्स ना हो जाए, जब तक अच्छे से पूरा मिक्स ना हो जाए। कढ़ाइया को पकड़ लेंगे और इसे शिकंजे से जकड़ लेंगे। शाबाश 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 बेटा, इस तरह बनाना है। और ये जब मिक्स हो जाएगा तो पोहा हो जाएगा आपका एकदम, दो मिनट और बस। नमक भी डालना है, नमक और नींबू और पड़ेगा इसमें। बस ये देखिए कलर देखिए इसका, पोहे का कितना लाजवाब मैंने बनाया है। ऐसे तो आपके दोस्त भी रंग नहीं बदलते होंगे जैसे इस पोहे ने रंग बदल दिया। पोहे के रंग ऐसा तो दोस्त भी नहीं रंग बदलता है जैसे पोहा रंग बदल दिया। देखो कलर, देखो पोहे का कलर, कलर देखिए पोहे का। अभी खाऊंगा पोहा अपने घर का बना हुआ एकदम स्टाइलिश पोहा। स्वादानुसार नमक, स्वादानुसार नमक इतने जाने थे, स्वादानुसार नमक ओके। तो अब ये कितनी देर ऐसे चलाना रहेगा इसको, कितने मिनट? अरे कुछ नहीं, बस लाल नमक सबको ही मिल जाए। उसके बाद थोड़ा सा दस मिनट करने के बाद, मतलब दो मिनट के बाद ढक के एक दो मिनट बाद नींबू डाल देना है। हाँ। फिर तैयार हो जाएगा। मन हो तो धनिया भी डाल दो। अब हमें देर हो जाए वहाँ जाए ड्यूटी पर, तुम धनिया उनिया के चक्कर ना करो, तो ऐसे हमको खवा दो। ओके दोस्तों, तो इस तरह से ये बनेगा आपका पोहा। आप लोग भी घर पे ट्राई करिए पोहा बनाने का, देखिए कितना गजब का कलर आया है पोहे का। अभी मैं खाऊंगा तो जैसे समझदार इंसान के साथ एक इस जैसे पागल लड़की।